देखो लास्ट टाइम पे हम लोग कहां पर थे, हम लोगों ने जो बात करी थी वो बात करी थी रेजिस्टेंस की। सर आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, जहां हम लोग जानते थे रो तुम्हारी रेजिस्टिविटी, एल तुम्हारी लेंथ, ए तुम्हारा था क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। इन सब के बारे में हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है किसी भी करंट को, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को रोकने का जो काम करता है वो करता है रेजिस्टेंस। जैसे मैं अगर तुमसे कहूं इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब क्या है, जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो अगर मैं कहूं इंसुलेटर के अंदर करंट कितना फ्लो होता है, तो इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो ही नहीं होता, यानी कि आई क्या होता है, जीरो। अब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ओम्स का होता है बी इज इक्वल टू आई आर, और आई इज इक्वल टू क्या हो गया, बी अपॉन आर, ये हो गया आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। देखो करंट तुम्हारा जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा अगर पोटेंशियल है और अगर रेजिस्टेंस क्या हो जाए इनफाइनाइट। क्योंकि तुम लोग जानते हो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, वन अपॉन जीरो, जीरो कहां गया ऊपर, तो करंट क्या हो गया जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसुलेटर होगा तो उसमें करंट जो होगा, ठीक है, इंसुलेटर के अंदर करंट जीरो होता है। और करंट जीरो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा करंट जाने की कोशिश किधर करता है, करंट हमेशा उधर जाने की कोशिश करता है जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट बहुत जाएगा, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम रहेगा, ठीक है, सिंपल सी बात। अब अगर मैं इनकी रेजिस्टेंस की बात करूं, उसके बाद हम लोग फिर करंट में आएंगे। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस में तुम्हारे दो टाइप के हैं, पहला है रेजिस्टेंस किसमें, इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि जो भी तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है वो किसमें हो, सीरीज। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब है कि एक रेजिस्टेंस तुम्हारा ये है, ऐसे ये तुम्हारे रेजिस्टेंस, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये क्या हो गया, R3 हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में, ठीक है। सिंपल सी बात, मैंने कहा कभी भी हमेशा जो करंट को अगर तुम देखना, तो करंट को देखना जैसे तुम्हारी नदी में या नाली में पानी बहता है, उस टाइप से आप लोग ऑब्जर्व कर। जैसे ये है, ये क्या है, बैटरी। बैटरी का मतलब आप ये समझो, देखो दो चीजें याद रखो, एक होता है पोटेंशियल E, एक होता है E। B और E में क्या अंतर होता है, B होता है पोटेंशियल जब तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। E कब होता है, E सिर्फ बैटरी के साथ होता है, सिर्फ बैटरी के साथ, ठीक है, किसी वायर में नहीं होता, इसे पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या है, यहां से लेके यहां तक के बीच का पोटेंशियल हो, ऐसे ही E होता है बैटरी के लिए, यानी कि बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जितना पोटेंशियल है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, E बोलते हैं, E। अब मैंने तुमसे कहा ये क्या है, बैटरी। और बैटरी के हमेशा याद रखना, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, करंट देखो ऐसे गया। अब इसे समझ लो तुम बांध है, जैसे बांध होता है, अब बांध से क्या निकला, एक नदी निकली। जब बांध से ये नदी निकली है ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, और बांध से नदी अभी ऐसे जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। तो देखो यहां पर ऐसे भी, अब यहां पर क्या हो रहा है, नदी का बहाव कम हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, रुकने का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो जितना जितना पानी यहां था, भले तिरछा, भले पानी ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, लेकिन जितना पानी यहां गया उतना ही यहां गया उतना ही यहां, यानी कि तीनों जो रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंसों में जो धारा है या करंट है वो क्या हो रहा है,
एक समान होगा, यानी कि करंट सब में समान धारा समान होकर फिर होता है। इसका मतलब हम लोग सीधी तरीके से ये समझ सकते हैं, मैंने कहा मान लो अगर यहाँ पोटेंशियल बैटरी का बी है, ठीक है, मैंने कहा पोटेंशियल कब होता है, पोटेंशियल तब होता है जब करंट फ्लो हो रहा है, और ई कब होता है बैटरी में हो रहा है, और जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। अगर मैंने कहा कि यहाँ पर पोटेंशियल बी है, तो इसके अंदर ये रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा उसे मान लिया मैंने बी वन, और बी इक्वल टू क्या होता है सर आई वन आर, ये क्या हो गया बी टू आई आर, और ये हो गया आई आर, ये क्या हो गया बी थ्री ये आई आर। अगर मैं टोटल पोटेंशियल देखू बी वन बी टू बी, बी वन क्या है आई आर वन, ये हो गया आई आर टू, ये हो गया, ठीक है। अब देखो करंट तो सब में सेम था, रेजिस्टेंस अलग अलग थे, बीच का तो क्या होता है सर आई आर, आर मतलब आर इक्विवेलेंट, इन सब में क्या कॉमन है सर आर वन प्लस आर टू प्लस, सर अगर मैं यहां से आई आर इक्विवेलेंट आई से आई तो आर इक्विवेलेंट की जो मेरी वैल्यू आई, जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई वो आई आर वन प्लस आर टू प्लस, और अगर इससे ज्यादा रेजिस्टेंस होते आर फोर होता आर फाइव होता आप तो वो भी जोड़ते हुए चले जाते। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ सर आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा सीरीज में, तो सारे के सारे को जोड़ो, ठीक है। और अगर तुमसे कहा जाए पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल होगा सर आई इंटू आर वन आई इंटू आर टू आई इंटू आर थ्री, ये हमारा तरीका होता है। तो सीरीज में मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा इन सीरीज सीरीज इन सीरीज पोटेंशियल क्या होगा डिफरेंट, बट करंट क्या होगा सेम, पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट इन रेजिस्टेंस एंड करंट पोटेंशियल डिफरेंट होगा लेकिन करंट क्या होगा सेम, किसके अंदर रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे तो रेजिस्टेंस में ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब सर जी अगर मैं कहूं यहां पर जो मेरी बात आई थी वो मेरी बात हुई है रेजिस्टेंस इसमें तुम्हारी सीरीज, अगर मैं तुमसे ये कहूं रेजिस्टेंस तुम्हारी पैरेलल में है, यदि रेजिस्टेंस पैरेलल है, ठीक है, सीरीज होगा ना, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फिर हम लोग पैरेलल की बात करेंगे कि यदि रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो क्या होगा,
यदि रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो देखो पैरेलल की क्या कंडीशन है, यहां पर पोटेंशियल क्या है बी सर। अब देखो इस बांध से करंट निकल रहा है, वो करंट कितने भागों में गया, एक दो तीन, इधर भी इधर भी इधर भी, तीन भागों में गया सर। अब करंट क्या होगा, देखो करंट सेम कब जाता है, वैसे तो करंट सेम पैरेलल में होता है, चाहे एक रेजिस्टेंस कितना ही छोटा हुआ, एक रेजिस्टेंस कितना ही बड़ा हुआ, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सब में अगर सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा सेम, लेकिन अगर मैं पैरेलल की कंडीशन को, तो पैरेलल कंडीशन में आर वन आर टू और ये आर, इसमें जाएगा आर वन, इसमें गया आई वन, इसमें आई टू और इसमें आई थ्री। अब बात ये है कि इन वाले रेजिस्टेंसों में सबसे ज्यादा करंट किसमें जाएगा, तो सबसे ज्यादा करंट उसमें जाता है, तुम्हें पता है जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसका अंदर करंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा करंट होगा। और दूसरी बात ये है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट क्या होगा कम होगा। ये तीनों कैसे हैं पैरेलल, हम लोग जानते हैं इन पैरेलल, कैसे इन पैरेलल, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है सर। पोटेंशियल का मतलब समझ नहीं आया, पोटेंशियल क्या होता है, तो तुम्हें पता है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, यानी कि करंट जो जा रहा है वो इधर से जा रहा है और इधर की ओर ऐसे क्यों जा रहा है, यहां जाता है यहां कम है। तो देखो अगर मैं इन दोनों को खोल रहा हूं यहां पर, ये तुम्हारा बायल है, बायल के अंदर अगर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि बीच का क्या होता है आई आर, करंट कितना ही हुआ अगर रेजिस्टेंस जीरो है, बायल के अंदर मैंने रेजिस्टेंस का माना जीरो, तो पोटेंशियल क्या होगा जीरो, इस बायल में तो पोटेंशियल जीरो होगा ही होगा, सिर्फ किसके बचा रेजिस्टेंस। यहां पर यहां और यहां अंतर देखो, तो जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, इन दोनों का अंतर क्या होगा समान होगा। अगर इन दोनों का अंतर समान होगा इसका मतलब जो आर वन में है वही आर टू में है, यानी कि तीनों में आर वन आर टू आर थ्री तीनों के अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक। अगर पोटेंशियल इसमें सेम रहता है, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल सेम, तो क्या डिवाइड हो रहा है करंट डिवाइड हो रहा है, यस सर, करंट इसमें आई वन इसमें आई टू और इसमें आई थ्री। अब तुम लोग अभी बोले कि सर जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसके अंदर करंट क्या होगा ज्यादा, जिसके अंदर सर रेजिस्टेंस कम होगा करंट क्या होगा ज्यादा। अब मुझे बताओ अगर दो रेजिस्टेंस सेम हो, दो रेजिस्टेंस क्या हो सेम, यानी कि जो जो रेजिस्टेंस इसका हो वही रेजिस्टेंस इसका, अब करंट क्या होगा सेम, अब करंट सेम होगा। अगर रेजिस्टेंस सेम होंगे पैरेलल में तो उनमें करंट भी क्या होगा सेम होगा, करंट सेम होगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस सेम होगा उनमें करंट सेम होगा, जैसे मैंने कहा अगर ये भी आर ये भी आर ये भी आर होता तो यहां से करंट कितना निकला I, कितने भागों में डिवाइड हुआ तीन भागों, तो इसमें भी आर बाई आई बाई थ्री, इसमें भी आई बाई थ्री और इसमें भी आई बाई थ्री। ये दूसरी चीज ये सर कि जो मेरा डिवाइड हुआ है वो करंट डिवाइड हुआ है, यानी कि आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर, ओके। तो अगर मैं यहां पर रखूं इसकी इस आई की जगह जो यहां से निकल रहा है, पोटेंशियल है वी और यहां पर है आर सर। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर है पोटेंशियल वी और रेजिस्टेंस है आर, पोटेंशियल है बी रेजिस्टेंस है आर टू, पोटेंशियल है बी रेजिस्टेंस है आर थ्री, सबके अंदर बी कॉमन ले लिया, यस सर। तो एक बटे आर बराबर एक बटे आर लंबा एक बटे आर टू एक बटे आर थ्री, सही है। यहाँ भी तो बी कॉमन हो गया, तो बी से बी कैंसिल आउट, अगर बी से बी कैंसिल आउट हो गया तो मेरा जो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला आया, तो मेरा जो r इक्विवेलेंट का फार्मूला आया 1 अपॉन r इक्विवेलेंट, ये r ले लो वो आया 1 अपॉन r 1 अपॉन r 2 1, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला, उसके बाद अब हम कुछ रेजिस्टेंस के सर्किट के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, अब कुछ रेजिस्टेंस के बारे में बात करें। सर यदि कोई रेजिस्टेंस इस टाइप से है, मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसे है आर ही कह दिया, एक रेजिस्टेंस ऐसे है ये भी मेरा आर है, और एक रेजिस्टेंस ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं तुमसे ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट पूछ रही हूं, ठीक है, या आर ए और बी कितना होगा, ए और बी के बीच में आर कितना होगा, यानी कि रेजिस्टेंस कितना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना होगा। अब देखो तीनों क्या है, आर। अब मैंने देखा, एक बार और देखा, सीरीज में करंट क्या होगा, सेम, लेकिन पैरेलल में, इसमें पैरेलल में करंट सेम नहीं होगा। अब मैंने देखा सर, अगर मैं ए और बी के बीच में पूछा गया है तो ये दोनों मुझे कैसे लिख रहे हैं, पैरेलल। मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा ये पैरेलल होंगे, देखो ए और बी के बीच में पूछा, यहां से करंट गया तो करंट कितने भागों में डिवाइड हुआ, दो भाग, और जहां डिवाइड हुआ वो किसमें होंगे, पैरेलल। तो सर अगर ये भी आर है और ये भी आर है, तो हम लोग जानते थे कि एक बटे आर इक्विवेलेंट, ठीक है, एक बटे आर डैश डैश मान लो, वो क्या होगा, एक बटे आर प्लस एक बटे एलसीएम क्या हो गया, आर वन प्लस, तो आर डैश का फार्मूला क्या आया, आर आर बाय टू, ठीक है। यानी कि सर इन दोनों की जगह कोई मैं एक रेजिस्टेंस को इंप्लीमेंट करूंगा, एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, जो रेजिस्टेंस मेरा क्या आया, आर बाय टू, और ये क्या है, आर आर। अब जरा सोचो ये दोनों कैसे हैं सर, सीरीज, सीरीज में, अगर सीरीज में होंगे तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट देखूंगा तो सीरीज में तुमको पता है, तुम डायरेक्ट जोड़ दो, हां सर, आर बाय टू प्लस आर प्लस टू, यानी कि क्या हो गया, थ्री आर बाय टू, ठीक है, सिंपल सा जरा आंसर आ गया, थ्री आर बाय टू इसका आंसर, ठीक है। इसे करने के बाद फिर हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे। अब ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है, ए और बी के बीच। अब तो मैंने सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दी है, ठीक है, किस किस रेजिस्टेंस की कितनी कितनी वैल्यू है ये सब मैंने लिख दी। ये वाला क्वेश्चन सुन लो, यहां से पकड़ोगे नहीं, एक कॉर्नर को देखो, इसमें हम कहां से इसे पकड़ सकते हैं,
और वहां से सॉल्व करेंगे तभी सॉल्व होगा। तुम कहो हम नीचे से सॉल्व, यहां से सॉल्व करते जाएंगे तो यहां से सॉल्व नहीं होगा। तो तुमने देखा सर कि ये दोनों में क्या है, सीरीज। सीरीज क्यों? क्योंकि सर ये दोनों को जितना करंट इसमें जाएगा वो मोड़ के इसमें उतना ही जाएगा, यानी कि इन दोनों में करंट दिया जाएगा सेम। अगर इन दोनों में करंट सेम जाएगा तो ये दोनों है कैसे, सीरीज में। सीरीज में, सीरीज में पता है तुम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर मैं इसी को, अगर मैं इसी को ऐड करूं तो 4 ओम, यहां भी क्या है 4 ओम, 2 ओम, 4 और ये भी दोनों कैसे हैं पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल में हैं, अगर दोनों पैरेलल में, तो तुम क्या करो सर, पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, 1 / r1। हां, ये r इक्विवेलेंट के बराबर, मैं डायरेक्ट ये वाला लगाया तो r1 r2 / r1 + r10 बचेगा हम लोगों का, ठीक है सर। तो यहां लगा 4 * 4 / 4 + 4 यानी कि 16 / 8 यानी कि कितना आया 2 ओम आया, यानी कि सर इन दोनों का भी 2 ओम आया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकता हूं सर, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, ठीक है, ये ए और बी के पीछे पूछा। अब ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। अगर ये तीनों सीरीज में है तो देखो, चलो चाहे इसे आर इक्विवेलेंट में नहीं लिखते, चाहे आर डैश लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत। अब आ रहा है आर इक्विवेलेंट या ए और डी के बीच का, तो 2 2 2 कितना हो गया 6, ठीक है। तो 6 ओम क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, ये 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक, 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब तुम्हें बताना है ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को ये वाला सॉल्व कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर अगर ये भी लिखा होगा कि मान लो यहां पर सी लिखा हुआ है, यहां डी लिखा हुआ है, यहां ई लिखा हुआ है,
या यहाँ एफ लिखा हुआ है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे बस पूछेगा ए और बी के बीच में बताओ, तो ए और बी के बीच में बताना है बच्चों की, अगर तुमसे ए और एफ के बीच में पूछा तो ए और एफ के बीच में बता, सही है, उसके बीच में बता। अब तुमसे पूछा है ए और बी के बीच में, अब देखो हम लोग करें कैसे, सर क्या हम हमको क्या करना है इन सारे रेजिस्टेंस को बाद में इसके साथ लाना है, यानी कि ये सबसे लास्ट में बचे, और ये सबसे लास्ट में कब बचेगा, क्या मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, सर कोई भेजा कोई मुझे तरीका नहीं बनना है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। अब जरा तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सर ये दोनों कैसे हैं सीरीज, जितना इसमें जाएगा उतना ही, दो और दो चार, चार ये हो गए दोनों को मिला, चार और चार पैरेलल में होगा, कितना आएगा दो, दो आएगा, तो पैरेलल में क्या होगा दो हो गया, ठीक है अभी करा सर। अब देखो ये तीन, देखो ये दोनों मिला के बच्चों आया चार, चार बोलो ठीक है, इन दोनों मिला के आया चार, ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अब अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो ये भी चार और ये भी चार, तो कितना आएगा दो, दो दो तब तुम्हारे दो है, ठीक। अब तुमने देखा सर इस पूरे को हटा दो, इधर पूरे को हटा दो और दो रख दो, तो दो और दो किसमें सीरीज में, फिर कितने हो गए सर चार, ये चार और चार पैरेलल में हो, ये दो कितने हो जाएंगे दो, यानी कि इतना कंप्लीट हो गया, कितना बचा दो, दो और दो किसमें चार, तो दो और दो क्या हो गए चार, और वो चार इसके साथ कैसे पैरेलल है, दो दो दो, ठीक है दो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये दो और ये दो किसमें सीरीज में, कितने हो गए चार। तो हमारा क्या बचा सर, हमारा सर इधर आया चार पूरे, और जो नीचे था ये ए और बी, ठीक है दो ए और बी, ये कितना है सर दो। अब तुम देखो सर, देखो इस पूरे को खत्म करके कितना आया सर चार, और यहाँ है ये दोनों कैसे हैं पैरेलल, अगर दोनों कोई पैरेलल में होते तो तुम बोले सर अगर दो रेजिस्टेंस हैं और पैरेलल में हैं तो चार गुणा दो और चार प्लस चार दुनी आठ और छः, किससे काटो दो से, दो चौक आठ दो तीन चार बटे तीन, ये क्या हो गया आर इक्विवेलेंट का फॉर्म, ठीक है और बी के बीच में रेजिस्टेंस, इसमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, एक छह है एक नौ है और एक क्या है बारह, छह नौ बारह, दूसरी तरफ बीच में है सी और ठीक है, तो एक तरफ लिख लो सर जी सी और एक तरफ लिख लो
लिखी, ठीक है, एक तरफ सी लिखी एक तरफ डी लिखी। अब देखो सर क्वेश्चन को करने का तरीका बताओ, बड़ी सिंपल तरीके से करेंगे। ए और सी के बीच में छह, सी और डी के बीच में और डी और बी के बीच में अब देखो ए ए और डी के बीच में खाली तार है और सी और बी के बीच में भी खाली क्या है तार, तार ही तो खाली। अब सर जी क्या करें, अब तुमको पता ही कुछ नहीं, जहां पर तार हो ठीक है उस तार को धीरे 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 खत्म करना और इसको पकड़ के कहां ले जाना ठीक है, इधर क्यों ले जा सकते क्योंकि इधर क्या है रेजिस्टेंस, देखो इसके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो इसे पकड़ के खींच के अगर मैं इधर ले गया तो ए कॉमा बी ये सिक्स ठीक है, अच्छा यहां पर है सर जी सी और सी लो, जब सर जी खींच के इधर जाएगा सोचो इसे खींच के इधर ले जाओगे तो क्या ये नौ ऐसे नहीं आ जाएगा, हाँ देखो हाँ सर तो नौ आ जाएगा। अब सर जी सी और बी को खींचो, सी और डी को खींचो, जब मैं ऐसा करूं सी को खींच के कहां ले जाऊं बी पर, इसे बी पर ले गए ठीक है, अब डी कहां है यहां, बी कहां है यहां, तो एक रेजिस्टेंस तुम्हारा ये हो गया जो कितने का हो गया बारह, कितने का हो गया बारह। सभी को तुम्हें अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तुम एक का और कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर भी तार हो जहां तार है यहाँ पर देखो क्या है ए, यहाँ क्या है डी, तो चुपचाप एक काम करो ए ए और डी ऐसे लिख दिए, यहाँ सी है और क्या है बी, तो एक तरफ लिख दिया तुमने बी और लिख लिया, अब कभी दिक्कत हो खाली बाय रेजिस्टेंस देखो ए और सी के बीच में तो ए कहाँ है यहाँ और सी कहाँ है हो गया ये सिक्स, फिर देखो सी और डी के बीच में सी ये है बी ये है डी और बी के बीच में ये क्या है सही है, तीनों कैसे हैं सर पैरेलल, और पैरेलल का फार्मूला तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर मैं पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करूं आर1 तो एक बटे छह आर प्लस एक बटे नौ आर प्लस एक बटे एलसीएम कितना लिया, एलसीएम को कट जाए सबसे 36 36 आ गया, यहां से काटो तो कितना आया 6 यहां 4 यहां कितना आया 3 सही है, ये अगर से हम इसको जोड़ दें 6 4 10 और 3 13 13 बटे 36 तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 36 आर बटे ये आ सकता है, किसी से रहा नहीं है तो काट देता, नहीं कट रहा है तो मेरा यही क्या हो जाएगा मेरा यही फाइनल आंसर यही। ये तुम्हारा इसका आंसर, उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसे आप काट सकते हैं, इसे आप काट सकते हैं, छत्तीस तेरह किसी का दोनों कटे ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तेरह क्या है आवाज संख्या है, इसे कटती नहीं है और खुद से भी नहीं कर रहा है, तेरह तीन उनतालीस होते हैं उससे भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही देखो एक अगर इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए में पूछे हैं तो नीट भी पूछ सकता है। एनडीए ने कहा था कि मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो, एक रेजिस्टेंस ये है वायर है, उसके बाद में एक और है, ऐसे भी क्वेश्चन ए और बी, मान लो ये 2 ohm और ये हो गया 1 ohm और ये हो गया 1 ohm और ये हो गया 3 ohm, ठीक है। अब तुमसे पूछा आर इक्विवेलेंट, यानी कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले ये देखो सर, यहां से जो भी पोटेंशियल करंट आ रहा है वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, क्या इसमें जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या ये मान आ रहा है, जो भी करंट आएगा वो सब का सब इधर से निकल जाएगा। इधर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है, हां, और इधर रेजिस्टेंस है ही है। तो मैंने कहा जो करंट होता है वो किधर जाएगा? जहां रेजिस्टेंस कम होता है, कम या जहां रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। तो सारा की सारा रेजिस्टेंस वो करंट ऐसे होके ऐसे में कैसे आएगा? यस सर, इसमें जाएगा नहीं। अगर इसमें जाएगा नहीं तो मान लो ये फिगर बोली तुमने, हां, तो मान लो कि ये है ही नहीं, मान लो ये है ही नहीं। अगर ये है ही नहीं तो सर जी, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इस पूरे को क्या कर दो? खत्म कर दो। खत्म कर दे। अब ये दोनों कैसे हैं सीरीज में? एक और एक क्या हो गया? दो। ये दो एक और एक दो, और दो और दो कैसे हो गए? पैरेलल हो गया एक। एक अब एक यहाँ, दो दो यहाँ, दो दो चार और एक पांच, कितना आ गया? पांच ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना हो गया? पांच ओम का क्या हो गया इसका रेजिस्टेंस? मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस खाली देखो
और आंसर करो। लेकिन यदि तुम्हें ये बात पता नहीं होती तो तुम इसमें उलझ जाते। तुम कहते हो उधर तो रेजिस्टेंस इतना है, सारा का सारा किसमें आएगा बायर। दो दो दोनों ऐसे ही पैरेलल ऐसे पैरेलल में देखो देखो इन दोनों को मिला के एक ही रूप है। अब ये दोनों किस में हो गए पैरेलल। तो दो और दो को मिला के बेटा एक आ गया ठीक है। तो अब मैंने अगर इन दोनों को हटाया तो सिर्फ आया एक। अब ये तीनों किसमें हो गए सीरीज। सीरीज का मतलब तीनों को जोड़ दो तो दो दो चार और एक क्या हो गया पांच। ऐसे हो गया ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट क्या होगा ठीक है। ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट क्या होगा ये हमको निकालना है। ये क्वेश्चन को लिखो उतारो फिर सोचो ये क्वेश्चन होगा तो होगा क्या। Gracias.
कर लिया। अब देखो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फंसना है। कैसे सर जी? अगर कभी भी ये क्वेश्चन देखना तो तुम क्या करना, देखो हाँ, अगर कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे। सर सबसे पहले तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये बाया है, एक प्रकार से बाया है सर, ये बीच से ऐसे है हाँ। तो इसको ना कभी ऐसे बीच से, ऐसे बीच से काटो इधर, इस इन दोनों के बीच पूछा गया है तो इसके परपेंडिकुलर कभी बीच से मैं चाहूँ तो ऐसे डिवाइड कर सकता है। अगर ऐसे डिवाइड करूंगा तो सर देखो ये तो हो गया मेरा चार, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ आठ और इधर भी आठ, ये ऐसे ठीक। इसको भी देखो, इसको हल्का सा चोंच ऐसे बढ़ा दी, जॉइंट तो था ही चोंच टाइप से बढ़ा दी, और ये दोनों कितने, ये भी आठ आठ मान लो ठीक है, मैं देखने लगे। अब क्या बताऊं, ये भी आठ और ये और ये ठीक है, ये कर ऐसे कर दिया ठीक। अब तुम क्या करो सर, जहां पर मैंने कहा बाय रहो उसे मिला दिया करो, यही तो कहा था मैंने हाँ। अगर तुम इसे मिलाओगे, अगर तुम मिलाओगे तो सर देखो सर इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ, तो देखो ऐसे कर ये चार हो गया ठीक है, आठ हो गया, और नीचे से ये भी तो यहाँ पहुंच गया था, ये भी क्या हो गया आठ। उसके बाद सर हो गया, ये क्या हो गया चार। अब तुम जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके दो, ये दोनों कैसे हो गए, तो आठ और आठ कितने हो जाएंगे चार, ये भी चार, चार और चार आठ, इस लाइन में आठ, इस लाइन में चार, इस लाइन में चार ठीक है। ये अब इसका निकालो, तुम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, आर इक्विवेलेंट हम लोग इसका कैसे गया आया आठ सही है।
ही आ जाएगा 8:05 बजे। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स की क्या करना है हम लोग ग्रुपिंग करना है, ठीक है, हाँ जोड़ेंगे सेल्स को। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखो इसमें क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एक बार जरा ध्यान रखना, मैंने कहा सर बड़ी वाली जो होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी वाली क्या होती है फिर बड़ी वाली पॉजिटिव ऐसी होती है। अगर मैं कहूं एक ई है, एक ई है तो ई ये ई ये ई सही है, सेल्स जब जुड़ती हैं, सेल्स जब जुड़ती हैं ठीक है, बैटरी जब जुड़ती हैं तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे होती है, तो ई ई ई टोटल कितनी होगी, सही है। उसके बाद अगर कभी हिस्सा ऐसा होता है एक प्लस एक माइनस हो गई, एक माइनस एक प्लस फिर एक माइनस फिर एक प्लस, अब अभी हर एक ई लेकिन यहां तुमने देखा सर प्लस माइनस तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ उल्टी है, इस बैटरी से ये बैटरी गया उल्टी उल्टी है, तो अगर अगर तुम इधर करंट तो इधर जा रहा है इसका इधर जा रहा है ठीक है, तो अगर तुम इसको लगाओगे तो इसको ये कैंसिल आउट करेगी एक को एक, तो क्या बची ई, तो क्या बची ई, तो सिर्फ यहाँ पर जो बचा वो बचा एक प्लस दो प्लस की मानी, इस पर एक प्लस की मानी तो इसकी क्या मानी माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर ई इक्विवेलेंट क्या बचा ई खाली ई, ठीक है एक से कट गया, सिर्फ ई इक्विवेलेंट क्या बचा, ऐसे हम बैटरीज को पहचानते हैं, बैटरी को जोड़ते हैं। क्या ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में ये है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में है सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीरीज ग्रुपिंग, अगर मैं बात करूं सीरीज ग्रुपिंग, तो सीरीज ग्रुपिंग क्या है, सीरीज ग्रुपिंग का मतलब यह होता है कि जितने भी बैटरी हमारी लगी हुई है सब किसमें लगी हुई है सीरीज, अगर जितनी हमारी बैटरी है अगर वो सारी की सारी बैटरी सीरीज में लगी हुई है तो उस ग्रुपिंग को हम लोग बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है सारी बात हो गई, सही है सर, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हमने कहा सीरीज ग्रुपिंग। देखो कोई भी एक बैटरी होती है उस बैटरी का अपना खुद का एक अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आंतरिक प्रतिरोध, कैसे तुम कोई भी बैटरी देखोगे वो बैटरी में देखो अगर तुम बड़े बड़े बैटरी बैटरा में देखो तो उसके अंदर ऐसे प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है, तो वो भी तो भैया कंडक्टर है और कोई चीज कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही, हर बैटरी का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब मैंने कहा अगर तुम्हारी सीरीज ग्रुपिंग है यानी कि एक ये मान लो ए ये
लास्ट में एक बड़ा सा प्रतिरोध लगा दिया तुमने, जिसे बोला आग। ठीक है, मैंने कहा हर एक बैटरी की है, हर एक बैटरी की हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है आर। ठीक है, कितनी बैटरी है एंड बैटरी, एंड सेल्स है या एंड बैटरी। ठीक है, यह सेल्स है, यह सेल भिन्न होते हैं। अब मैं कहूं बताओ उसमें करंट कैसा फ्लो होगा, ये सब पॉजिटिव है सारे ऐड हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सही है। तो सर सब में करंट क्या इधर से इधर फ्लो हुआ होगा, यस सर, कुछ ना कुछ मात्रा में करंट फ्लो हुआ होगा, हमने कहा ना आज। अब बात ये है सर, सबका इंटरनल सबका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये सारे के सारे जो आप स्मॉल आर क्या है इसमें रेजिस्टेंस, इंटरनल हिंदी बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अगर सबका आंतरिक प्रतिरोध आर 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 है, तो अगर मैं इन सबको, ये सब सीरीज में है, अगर इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो स्मॉल आर का जो इक्विवेलेंट आएगा आर 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 कितनी बार जोड़ता चले जाऊंगा, तो एन बार जोड़ूंगा। अब बताओ अगर मैं आर को दो बार जोड़ूंगा तो क्या आएगा, टू आर, तीन बार जोड़ूंगा तो थ्री आर, तो एन बार जोड़ूंगा तो एन आर। तो यहाँ पर जो आएगा वो आंसर में क्या आएगा, एन आर। सर अगर मैंने इन सबको जोड़ा है, एक बैटरी क्या है ई, एक बैटरी क्या है ई, अगर मैं सारी बैटरी जोड़ दूंगा तो देखो एक ई, अगर मैं सारी जोड़ दूंगा तो क्या आएगा एन, जाएगी एन। अगर सर मैं इसके अंदर अब मैं ये सर्किट बनाऊंगा, तो एक बैटरी मैंने ऐसे जोड़ी, सबको मिला के एक जोड़ दी, ये जो बैटरी है वो है एन ई और रेजिस्टेंस है क्या है एन आर। अब तुम देखो क्या ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं, सीरीज में तो करंट ऐसे जाएगा, बट थोड़ी ना अगर सीरीज में है तो मैं कहूंगा इसमें आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इधर लिख दो तो एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, और ई इक्विवेलेंट तो एन ई है, तो इसके अंदर आर इक्विवेलेंट ये आ गया, और मैंने कहा बताओ करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट बेटा बैटरी क्या लगी हुई है एन ई अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या है एन आर प्लस। ठीक है, एन ई बटे एन आर प्लस आई इज टू एन ई बटे एन आर प्लस आर, ये तुम्हारा सीरीज का प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करेंगे उसके बाद पैरेलल रूल, सीरीज रूल के बाद बात करेंगे हम लोग पैरेलल रूल। Thank you.
इस ग्रुपिंग के बाद में आप लोग बात करते हैं बच्चों पैरेलल में। अब देखो सबसे पहले पैरेलल रोटेशन की हम लोग बात करें। एक बैठ किए ऐसे ही बैटरी जुड़ी हुई है बेटा एन बैटरी, ठीक है, पैरेलल में एन बैटरी और लास्ट में एक रेजिस्टेंस है आर ई तुमसे अगर इसमें कहा जाए सोचो ऐसा है हर एक ब्रांच से एक करंट आएगा और सबसे करंट सेम क्यों आएगा क्योंकि सबका हाँ सबका पोटेंशियल पहली बात तो सेम है। सर अगर मैं आर निकाल दूं सबका तो सारे की सारे आर किसमें हैं पैरेलल में, तो अगर मैं स्मॉल आर इक्विवेलेंट निकालूं कितने टाइम्स तक है n नीचे n के ऊपर, तो अगर नीचे सब r इक्विवेलेंट r कॉमन ले लिया तो बन भी तो मैं n तक ही लिखूंगा। अगर n तक बन लिखूंगा तो बन एक में एक जोड़ोगे तो दो, फिर एक जोड़ोगे तो तीन, तो अगर n टाइम से जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा n खाली नीचे, जैसे एक एक के सिक्के अगर मैं पांच बार जोड़ूं तो कितने होंगे पांच, दस बार जोड़ूंगा तो दस, एन बार जोड़ा तो एन, तो अगर मैं यहां से आर इक्विवेलेंट निकाल दूं तो वो मेरा आएगा आर अपॉन, ठीक है, यानी कि सर ये सारी की सारी वैल्यू आर की कितनी आई आर अपॉन और साथ में ये क्या है सीरीज की जोड़ है। अगर ये सीरीज में है तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट जोड़ूंगा तो आर बटे एन प्लस, ठीक है, यही तो हो जाएगा सर। अब मैं कहूँ बच्चों से बताओ करंट कितना बह रहा है, तो अगर मैं आई निकालूंगा करंट निकालूंगा तो आई कितना होगा, तो इधर देखो सर टोटल टोटल अगर मैं कहूँ पूरा सब कुछ सब पैरेलल में है, पैरेलल में है तो यहाँ पर बैटरी क्या है ई, तो सिर्फ आई इक्वल टू बी अपॉन आर होता है तो ई अपॉन आर इक्विवेलेंट की जगह आर अपॉन एन बटे प्लस, ठीक है, आई इक्वल टू ई बटे आर बटे एन प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल रोटेशन के पैरेलल रोटेशन में करंट कितना मैं होगा करंट कितना मैं, ठीक है, ध्यान रखना क्यों सर आपने सिर्फ ई क्यों लिया क्योंकि यहाँ पर सबका पोटेंशियल क्या है सेम, यहाँ पर सिर्फ क्या है ई, तो सिर्फ क्या लिया ई,
करेगा देखो वाईफाई घूमने के लिए यस सर पता है मैंने मुर्गी में खाते सारे दिन ठीक
ठीक है। अब देखो नीचे कितनी सीरीज है सर, एम एम के नीचे एम सर। अब मैं तुमसे कहूँ मुझे बताओ आप, अच्छा ये करने के बाद मैं एक रेजिस्टेंस और कर देना इसके नीचे कैपिटल आर रेजिस्टेंस, ठीक है। वो कैपिटल आर रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा होगा, ठीक है। अब जरा देखना सर, ए ये क्या है एन, ये भी एन, ये भी एन। सर अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं सर, रेजिस्टेंस है देखो एन आर एन आर एन आर सब पैरेलल में, तो अगर मैं एक बटे स्मॉल आर की बात हो रही है, स्मॉल आर का इक्विवेलेंट निकालूंगा तो हर एक के लिए एक बटे कितनी बार करना पड़ेगा, ये कितनी बार एम बार, कितनी बार एम बार। तो अगर मैं ऊपर लिखूं ऊपर आएगा एम अपॉन एन आर, तो यहां से जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा एन आर बटे एम, सही है। अब सर जी इन सबका रेजिस्टेंस मिला के कितना आया एन आर बटे एम, और उसके साथ में ये क्या है सीरीज, तो अगर मैं इसमें आर इक्विवेलेंट निकालूं तो एन आर बटे एम प्लस, ठीक है। अगर सर मैं इसमें करंट की बात करूं कि करंट कितना फ्लो होगा, तो तुम बोले थे एक बैटरी कितनी है एन एम, तो बैटरी सिर्फ एन ई अपॉन आर इक्विवेलेंट की जगह ठीक है। अब देखो एक जो
सबसे इम्पोर्टेंट होगा ये टाइम देखो इन सब में जो तुमको एक चीज याद रखनी है उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस की बात उसमें आती है तो उसमें एक फार्मूला है उससे बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं अभी जो मैंने पैरेलल वाला कराया था पैरेलल ग्रुपिंग में देखो पैरेलल ग्रुपिंग अगर तुमसे कभी भी किसी क्वेश्चन में एक बैटरी दी हुई है कोई भी एक बैटरी दी हुई है ठीक है और इसके साथ तो या तो इसका रेजिस्टेंस दिया हो ये इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो बाहर कोई रेजिस्टेंस दिया है R1 और C1 मान लो ठीक उसके बाद एक बैटरी और है E2 और इसका रेजिस्टेंस दे दिया R1 एक बैटरी और है E3 मान लो ये क्या हो गया R3 ठीक है अगर मैं तुमसे कहूं बताओ कि इसमें अगर मैं सारी बैटरियों को मिला के कोई एक बैटरी बनाना चाहूंगा ठीक है तो E इक्विवेलेंट क्या होगा तो जो E इक्विवेलेंट का फार्मूला हो जाएगा ठीक है वो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना यहाँ क्या है E1 बटे R1 प्लस E3 अपॉन R2 ऐसे ही E2 अपॉन R2 बटे 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R3 प्लस 1 बटे R2 सही ये हो सही यस तो ये हो जाएगा E ये तुम्हारा E हो अब एक बात बताओ सर अभी जो ये पॉजिटिव ये भी देखो इधर भी पॉजिटिव उधर भी अब मैंने कोई क्वेश्चन अगर इस टाइप से तुमसे पूछा गया
एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करने का, रीडिंग का जो नापने का काम करता है वो तुम्हारा एमीटर काम करता है। ठीक है, अब जरा सोचो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। हो गया, अब देखो सबसे पहले अगर ऐसा कुल जाए तो सबसे पहले दोनों बैटरी को मिला के एक बैटरी बनाओ। ठीक है, अगर तुम एक बैटरी बनाओगे तो तुम बोले सर 4/4 और 6/2 एक हो गई। सर इन दोनों को जोड़ोगे तो एक आएगा, ये 2 और ये 5 वोल्ट आए। सर अगर मैं इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालूं तो एक आएगा, एक बटे दो एक बटे दो एक आया, और वो एक इसके साथ कैसा है सीरीज में, तो एक और तीन चार। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास में जो ये सर्किट बन के तैयार होगा उसका रेजिस्टेंस है 4 वोल्ट और ये जो बैटरी है ये क्या है 5 वोल्ट की और यहाँ कहीं बीच में लगा हुआ था एमीटर। ठीक है, अब अगर मैं सर्किट में निकालूं तो तुम लोग जानते हो आई इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन आर। तो हमारा जो करंट आया वो आया 1.25
सही है। तो ये इस टाइप के, अब इसमें तुम और भी क्वेश्चंस देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस और जो दिए हुए हैं ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी तुम देखोगे वो कैसे किए गए हैं कैसे। जब तक तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं लगाओगे तब तक पॉसिबिलिटीज नहीं है ठीक है। तो जितने ज़्यादा हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाओ, और जितने ज़्यादा उसके क्वेश्चंस को लगाते रहो, और किताब के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ठीक है उन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को लगाओ, और लगाने के बाद में फिर देखा जाता है क्या होता है क्या ठीक है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स को लगाओ फिर होगा कि क्या, क्योंकि अगर तुम एग्जाम्पल्स को लगाओगे तो तुमसे क्वेश्चन नहीं होंगे, और क्वेश्चन नहीं लगेंगे तब दिक्कत आएगी है ना। और क्लास में देखते रहो, शायद आज शेड्यूल आ जाएगा तुम लोगों का, शायद आज शेड्यूल आ जाएगा, अगर आज शेड्यूल हो जाएगा तो उसके हिसाब से देख लेंगे क्लास किस किस की कितनी कितनी है, आराम से सारी क्लासेस लो, क्योंकि 5 मई को पेपर है, पेपर में उसमें से 4 महीने बचे और 4 महीने में आपको सारा सिलेबस भी करना और रिविजन भी करना है, जितने ज़्यादा उससे उसके ज़्यादा क्वेश्चन लगाने ये भी ज़्यादा डिपेंड है क्योंकि अभी तक तो आज तक 5 तारीख हो गई, अभी 5 तारीख तक शेड्यूल नहीं आता है, देखो इन लोगों का क्या है। आज कह रहे थे आप सब ले, आज कह रहे थे आज शेड्यूल ले, अगर आज शेड्यूल आ जाता है तो क्लासेस लेते हैं ठीक है। पता नहीं प्रेजेंट अभी मैं पूछ ले रहा हूँ, प्रेजेंट में पूछ ले रहा हूँ मैंने लोग कैसे लगेंगे। लिखो आप लोग भी लिखो प्रेजेंट।